अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। हमने एक दूसरी लेक्चर सीरीज स्टार्ट की हुई थी पार्ट वन की। लेक्चर सीरीज में लेक्चर वन इज ऑलरेडी अपलोडेड, लेक्चर टू है, चैप्टर सिक्स पे ये है। चैप्टर सिक्स हमने स्टार्ट किया है। चैप्टर सिक्स का लेक्चर नंबर टू है एक्सरसाइज 6.1। एक्सरसाइज 6.1 में आज हम क्वेश्चन नंबर वन करेंगे। क्वेश्चन नंबर वन में गिवन है, राइट द फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस। इफ फर्स्ट फोर टर्म्स फाइंड करनी है, ये कुछ वैल्यूज मैंने क्वेश्चंस आपके सामने राइट कर दिए हैं। अब इनको आपके सामने सॉल्व करते हैं, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। तो फर्स्ट फोर टर्म्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले एन की जगह पुट एन इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, क्योंकि हमने फोर फाइंड करनी है तो फोर तक फाइंड किया। इसी तरह फाइव फाइंड करनी होती तो फाइव तक फाइंड करते। जब हम वन पुट करेंगे, एन की जगह वन पुट करेंगे, तो ए वन बन जाएगा, 2 × 1 − 3, तो ये आपके पास 2 × 1 = 2, 2 − 3 आ जाएगा, और 2 − 3 किसके इक्वल होता है −1 के। ये हमारे पास फर्स्ट ए वन आ गया। जब एन की जगह 2 पुट करेंगे तो ये 2 बन जाएगा, 2 × 2 − 3, तो ये 4 − 3 ये इज इक्वल टू प्लस का 1 आ जाएगा। इस तरह जब एन की जगह 3 पुट करेंगे, ए 3 इज इक्वल टू 2 × 3 − 3, तो 6 − 3 इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। नेक्स्ट एन की जगह जब 4 पुट करेंगे, ए 4 इज इक्वल टू 2, एन की जगह हमने 4 लगाया, 2 × 4 − 3, तो 4 × 2 = 8 − 3, तो ये आंसर 5 आ जाएगा। तो ये हमारे पास फोर टर्म्स हैं, −1, −1, 1, 3 and 5, ये फर्स्ट फोर टर्म्स है। नेक्स्ट पार्ट है, क्वेश्चन सेम ही है, ए एन इज इक्वल टू −1 की पावर n · n² तो हमें फाइंड करना है फर्स्ट फोर टर्म्स। पुट फर्स्ट ऑफ ऑल पुट एन इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4। जब हम एन की जगह 1 पुट करेंगे, ए 1 इज इक्वल टू −1 की पावर, माइनस एन की जगह 1 पुट करना है, −1 की पावर 1 + −+1 का स्क्वायर। अब माइनस की पावर अगर ऑड हो तो वो माइनस में आ जाती है, अगर इवन हो तो वो प्लस में चली जाती है। −1 की पावर 1 − 1 · 1 का स्क्वायर 1 होता है, −1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, −1, ये फर्स्ट टर्म होगी। इसी तरह एन की जगह 2 पुट करें, ए 2 इज इक्वल टू −1 का स्क्वायर + 2 पुट किया, ए की जगह क्या पुट, एन की जगह 2 पुट किया, तो ये बन जाएगा −1 का स्क्वायर, एंड एन की जगह जब 2 पुट करेंगे तो ये 2 का स्क्वायर। माइनस की पावर अब इवन आ गई है, अब पावर क्या आ गई है, इवन, तो माइनस प्लस में चेंज, 1 का स्क्वायर 1, 2 की पावर 2, 4, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया, तो ये सेकंड टर्म इज 4 आ गई आपके पास, सेकंड टर्म 4, फर्स्ट टर्म इज −1। नेक्स्ट हम पुट करेंगे एन की जगह 3, हमारे पास थर्ड टर्म आएगी, ए 3 इज इक्वल टू −1 की पावर 3 · 3 का स्क्वायर। अब 3 क्या है, ऑड नंबर है, तो माइनस की पावर ऑड हो तो वो किस में चली जाती है, माइनस में ही, −1 · 3 का स्क्वायर 9, −1 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो −9 आपका आंसर आ जाएगा, ये थर्ड टर्म होगी। इस तरह हम एन की जगह 4 पुट करेंगे, ए 4 −1 की पावर 4 · 4 का स्क्वायर, माइनस की पावर इवन है प्लस में चली जाएगी, 4 का स्क्वायर 16, 16 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आ गया, 16 हमारे पास आ गया, तो ए 4 भी आ गया, ए 1 ए 2 ए 3 एंड ए 4। पार्ट नंबर 3 है, ए एन इज इक्वल टू −1 की पावर n (2n − 3). फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट फोर टर्म्स फाइंड करने के लिए पुट एन इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, एन इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4। फर्स्ट ऑफ ऑल हम 1 पुट करेंगे, ए 1 इज इक्वल टू −1 की पावर 1 (2 × 1 − 3), −1 की पावर 1 − 1 (2 − 3), तो ये क्या आ जाएगा आंसर, −1, 2 − 3, बड़े के साथ माइनस है तो −1 आएगा, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया +1, ए 1 इज इक्वल टू 1 आ गया। नेक्स्ट एन की जगह 2 पुट करें, ए 2 इज इक्वल टू −1 का स्क्वायर
इंटू टू माइनस थ्री, माइनस की पावर ये मैंने प्लस में चली जाएगी, टू फोर माइनस थ्री वन आ जाएगा, वन को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर वन आ जाएगा। नेक्स्ट एन की जगह थ्री पुट करें, जब हम एन की जगह थ्री पुट करेंगे, माइनस वन की पावर थ्री, टू इंटू थ्री माइनस थ्री, अब माइनस की पावर क्या है, ऑड है, माइनस की पावर क्या है, ऑड है, माइनस माइनस में रहेगा, सिक्स माइनस थ्री माइनस वन, सिक्स माइनस थ्री ये थ्री आ जाएगा, तो माइनस थ्री को माइनस वन से माइनस थ्री, ये थर्ड टर्म आ गई। नेक्स्ट फोर्थ टर्म फाइंड करने के लिए एन की जगह फोर पुट करना पड़ेगा, तो ए फोर इज इक्वल टू माइनस वन की पावर फोर, टू इंटू फोर माइनस थ्री, माइनस की पावर इवन है तो माइनस प्लस में चला जाएगा, तो ये माइनस वन प्लस वन हो जाएगा, फोर टू फोर दैट एट माइनस थ्री, तो ये फाइव, फाइव को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइव। तो फर्स्ट फोर टर्म जो हमारे पास आई है वो वन वन माइनस थ्री एंड फाइव, ये हमारे पास फर्स्ट फोर टर्म आ गए। नेक्स्ट लास्ट पार्ट है ए एन इज इक्वल टू थ्री एन माइनस फाइव, पुट एन इज इक्वल टू वन टू थ्री फोर, जब एन की जगह वन पुट करेंगे, ए वन इज इक्वल टू थ्री इंटू वन माइनस फाइव, ए वन थ्री माइनस फाइव, ए वन आ जाएगा माइनस टू, जब एन की जगह टू पुट करेंगे, ए टू इज इक्वल टू थ्री इंटू टू माइनस फाइव, तो सिक्स माइनस फाइव करेंगे तो आंसर क्या आएगा, प्लस वन। इसी तरह एन की जगह थ्री पुट करेंगे, थ्री इंटू थ्री माइनस फाइव, नाइन माइनस फाइव करेंगे तो आंसर फोर आएगा। लास्ट जो टर्म है ए फोर इज इक्वल टू थ्री इंटू फोर माइनस फाइव, तो फोर थ्री फोर दैट ट्वेल्व माइनस फाइव, तो आंसर क्या आ जाएगा, सेवन। फर्स्ट फोर टर्म्स आ गई, फर्स्ट टर्म माइनस टू, फिर प्लस वन, फिर फोर एंड फिर सेवन, ए फोर इज इक्वल टू सेवन, तो ये फर्स्ट फोर टर्म्स आ गई। तो ये थे पहले चार क्वेश्चन, उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ जाएंगे होंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आपने जो लोग ये इस वीडियो को देख रहे हैं उन्होंने ट्राई करनी है कि इसके क्वेश्चन नंबर फाइव खुद सॉल्व करें, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो, और क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो मेरे तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली हर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मेरे तमाम देखने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स टू ऑल।